हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस बस की वीडियो जिसका गर्मियां शुरू होते ही सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम बात कर रहे हैं HRTC की सबसे पॉपुलर सर्विस दिल्ली लेह बस की, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होकर ये बस हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से होते हुए लद्दाख पहुंचती है और अपने 1026 किलोमीटर्स के इस सफ़र में 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है। इस लंबे सफ़र को ये बस 30 से 32 घंटों में पूरा करती है। नॉर्मली ये बस जून मंथ से स्टार्ट होती थी, लेकिन इस साल ये बस मई से ही शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको 15 मई को केलांग से लेह तक किए गए इस बस के सफल ट्रायल का वर्चुअल टूर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज 14 मई है और मैं शाम को यहाँ केलांग पहुँच गया हूँ। कल यानी 15 मई को सुबह 5 बजे इस सीज़न की पहली बस केलांग से लेह जाएगी और फिर कल से बस दिल्ली से रेगुलरली चलना शुरू हो जाएगी। मनाली के मुकाबले यहाँ केलांग में काफ़ी शांति है और होटल्स के प्राइसेस भी अफोर्डेबल हैं। मैं यहाँ होटल नॉर्दलिंग में रुका हूँ, जो बस स्टैंड के पास ही है। यहाँ डीलक्स रूम 900 रुपये और डीलक्स रूम विद बालकनी 1200 रुपये तक के हैं। हालांकि एक्चुअल प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं, पर हिमबस का नाम लेने पर आपको यहां पर इन प्राइसेस पर रूम मिल जाएंगे। यहां खाना भी काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छा यहां का गार्डन है, जहां से सामने के बर्फीले पहाड़ों के व्यूज़ दिखते हैं। पार्किंग की भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। होटल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहां पर मुझे एक अंकल मिले जो अपनी फैमिली के साथ कोलकाता से आए हैं और ये हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। अंकल साल में एक या दो ट्रिप्स पहाड़ों के ज़रूर करते हैं। मैंने काफ़ी देर बैठकर इनसे बातें की और इनकी पूरी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब रात के 10 बज गए हैं और सुबह जल्दी भी उठना है। पैकिंग अभी करने की सोच रहा हूँ ताकि सुबह फटाफट निकल सकूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ गया और 4:30 बजे तक यहाँ से निकलने को रेडी हूँ। बाहर तो अभी काफ़ी अंधेरा है। होटल से बस स्टैंड काफ़ी पास है और मैं 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया और ये वो बस है जो आज लेह जाएगी। फर्स्ट डे है, इसीलिए कल एडवांस बुकिंग नहीं हुई थी, तो आज सुबह ही टिकट्स मिल रहे हैं। केलांग से लेह की जर्नी 365 किलोमीटर्स है और किराया 660 रुपये। मेरे पास स्मार्ट कार्ड है तो 593 रुपये लगे। साथ ही यहाँ पर धर्मशाला जाने वाली बस भी रेडी है। ये बस केलांग से मनाली की तरफ जाने वाली पहली बस है। जब तक इनॉग्रेशन की तैयारी पूरी होती है, हम जल्दी से बात कर लेते हैं इसके टाइम टेबल की। दिल्ली कश्मीरी गेट से बस दोपहर 2:30 बजे चलती है और चंडीगढ़ सेक्टर 43 से रात 8:30 बजे। फिर अगले दिन सुबह ये बस मनाली होते हुए केलांग पहुंच जाती है और यहां इसका ओवरनाइट हाल्ट रहता है। फिर केलांग से अगले दिन सुबह 5 बजे चलकर शाम तक ये बस लेह पहुंच जाती है। वापसी में लेह से चलने का समय सुबह 3 बजे का है। अगर बुकिंग की बात करें तो करंट टिकट्स के साथ साथ आप इस बस की केलांग तक ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। केलांग से लेह के टिकट्स फिर केलांग पहुँच कर ही दिए जाते हैं। बाकी उम्मीद है कि अब इस बस के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया जाएगा ताकि ट्रैवल टाइम थोड़ा और कम हो सके।
तो अपडेटेड टाइम टेबल के लिए आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। तो अब हल्का उजाला हो गया है और 5:10 हो गए हैं और अब बस इंतज़ार है SDO मैडम का, जो कि बस को हरी झंडी देकर रवाना करेंगी। और आज हमारे साथ जाएंगे ड्राइवर उमेश जी और कंडक्टर रंजीत भाई साहब। ये डीजल टैंकर बस में साथ ले जाया जाता है क्योंकि लेह से पहले रास्ते में कोई फ्यूल पंप नहीं है। बस में आज केलोंग से करीब 18 सवारियां हैं और यहां ड्राइवर साहब फाइनल तैयारी कर रहे हैं। ये बस काफ़ी पॉपुलर है और मीडिया में छाई रहती है, तो फोटो का सिलसिला भी काफ़ी देर चलता रहा। फिर SDO प्रिया नागटा जी भी आ गईं और बस के यात्रियों को खतक पहनाया गया। केलोंग डिपो के RM मंगलचंद मनेपा जी और बाकी सारे ऑफिशियल्स भी यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद सबको चाय पिलाई गई और ये अदरक वाली चाय काफ़ी सही थी। और 6:15 बस को हरी झंडी दी गई और बस अपने पहले दिन के लेह के सफ़र पर रवाना हुई। फिर बस स्टैंड के लिंक रोड से निकलकर हम आ गए NH3 पर और बस ने तो शुरू से ही जो रफ्तार पकड़ी, मेरी तो एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई। केलोंग में अभी सुबह का टेम्परेचर 3 डिग्री के करीब है, तो मतलब ठीक ठाक ठंड है यहाँ पर। आज लेह की साइड जाने वाले बहुत ट्रक्स मिलेंगे, ऐसा इसीलिए क्योंकि अब मनाली लेह हाईवे पर ट्रक्स का आना जाना ऑड इवन कर दिया गया है, यानी आज ऑड डेट में सिर्फ यहां से लेह की ओर ट्रक्स जा रहे हैं और कल सिर्फ लेह से मनाली की ओर ट्रक्स आएंगे। ये रूल हालांकि सिर्फ ट्रक्स के लिए ही है। सवा 6:00 हम पहुंचे जिस्पा। ये केलोंग से 23 किलोमीटर दूर है और मनाली छोड़कर काफ़ी लोग सीधा यहीं स्टे करना पसंद करते हैं। अब HRTC जिस्पा से दिल्ली के लिए सीधी लग्जरी बस सेवा भी चलाता है। उस वीडियो का लिंक और पूरी जानकारी आपको ऊपर स्क्रीन पर दिए लिंक में मिल जाएगी। आप दिल्ली से केलोंग तक इस लग्जरी बस में आकर यहाँ केलोंग से आगे लेह तक इस ऑर्डिनरी बस में भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन के स्पॉन्सर हैं अभी बस, इंडिया की 4.6 स्टार रेटेड ऐप, जिसपे इंडिया में जहां भी आपको जाना है हर जगह की बस मिलेगी। यहां आपको 15 मिनट में रिफंड और ₹500 तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारी RTC यानी गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी। मतलब मेरी तो फेवरेट ऐप है ये, क्योंकि यहाँ आपको ढेरों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, हमारा कूपन कोड यूज़ करके पाएं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जिस्पा के बाद फिर ये भागा नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और अब आएगा दारचा। साढ़े 6:00 हम पहुंच गए दारचा में। भागा नदी किनारे बसा ये दारचा इस तरफ हिमाचल प्रदेश का आखिरी परमानेंट सेटलमेंट है। इसके बाद अगला गांव आपको लद्दाख में ही मिलेगा।
दारचा केलोंग से 32 किलोमीटर दूर है और 3,360 मीटर के एलिवेशन पर बसा है। दारचा में जनकर नाला आकर भागा नदी में मिलता है और इस नाले पर यह बड़ा पुल भी बनाया गया है। ये पुल 360 मीटर लंबा है और मनाली लेह रोड पर सबसे लंबा ब्रिज भी है। ब्रिज पार करके फिर ये एक चेक पोस्ट है जहां आगे जाने वाली सारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। यहां बस की इन्फॉर्मेशन, पैसेंजर्स काउंट और फॉरेन पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। दारचा से ये सामने शिंकुला पास की तरफ रोड जाता है जो कि आगे पदम गांव से होते हुए लद्दाख के निमू में ख़त्म होता है। इस हाईवे को जांस्कर हाईवे भी बोलते हैं। रोड तो वैसे बन गया है और 4x4 गाड़ी से आप आसानी से इस रास्ते से जा सकते हैं, पर BRO इसे और दुरुस्त करने में लगा हुआ है। दारचा से निमू का स्ट्रेच 290 किलोमीटर लंबा है और इस पे 5,091 मीटर के एलिवेशन पर बने शिंकुला पास से गुजरना पड़ेगा। अब दारचा से बारालाचा के बीच ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मानसून में क्रॉस करने मुश्किल हो जाते हैं। इनमें से कुछ खतरनाक पॉइंट्स पर अब पुलिया भी बना दी गई है। दारचा से ऊपर जाके फिर ये एक छोटी सी झील आ जाती है जिसका नाम दीपक ताल है। ये झील केलोंग से 43 किलोमीटर दूर है और 3,750 मीटर की ऊंचाई पर है। इस झील की शेप किसी दिए या दीपक के आकार की है, इसीलिए इसका नाम दीपक ताल रखा गया है। लाहौल घाटी की साइट सीइंग में आप इस झील को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दीपक ताल से आगे पटस्यो नाम की जगह आती है। ये 3,680 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ वर्कर्स के टेम्प्रेरी टेंट्स और आगे एक दो ढाबे हैं। अब यहाँ एक नया ब्रिज बना दिया गया है, वरना पहले नीचे से होकर आना पड़ता था। पटसियों के आगे फिर व्यूज़ काफ़ी सुंदर हो जाते हैं। एक तरफ ये सुनहरे बर्फीले पहाड़, उनके नीचे ये मैदान और बीच से निकलती ये नीली भागा नदी। ट्रक्स तो बहुत हैं, पर अच्छी बात ये है कि सब लेह की ओर ही जा रहे हैं, तो इनको बस ओवरटेक ही करना है। अगर सामने से भी ट्रक आ जाए तो दिक्कत ये होती है कि उसे पास देने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ जिंगजिंग बार से पहले रोड थोड़ा ख़राब है। यहाँ ऊपर से काफ़ी पानी आता है और बारिश के टाइम यहाँ से छोटी गाड़ियाँ निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और
और अब हम जिंगजिंगबार पहुंच चुके हैं। यहां से लेह 302 किलोमीटर दूर है और जिंगजिंगबार बीआरओ का रोड बिल्डिंग कैंप और टी हाउस वे स्टेशन है। यहां भी चाय पानी की दो चार टेम्परेरी शॉप्स हैं और बाइकर्स यहां अपना टेंट सेटअप करके ओवरनाइट हाल्ट ले सकते हैं, क्योंकि रात में किसी मदद के लिए आसपास लोग मिल जाएंगे। लैंडस्केप अब थोड़ा चेंज होने लगा है और हरियाली कम हो रही है। जिंगजिंगबार के बाद फिर बारालाचाला की चढ़ाई शुरू होती है और रास्ते में हम खूबसूरत सूरजताल लेक से होकर गुजरेंगे। अब हल्की स्नो भी रोड साइड पर मिलने लगी है। करीब 8 बजे हम पहुंच गए सूरजताल और ये तो अभी जमी हुई है। फिर ड्राइवर साहब ने हमें यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक दिया। सूरजताल या सूर्यताल एक सुंदर झील है जो कि बारालाचा के जस्ट नीचे है और इस लेक का सोर्स भी यही पास है। लेक का सरफेस एलिवेशन 4880 मीटर है और भागा रिवर का ओरिजिन भी इसी लेक से होता है। सूरजताल से 3 किलोमीटर ऊपर ही बारालाचाला टॉप आ जाएगा। तो ये है 4890 मीटर की ऊंचाई पर बारालाचा पास और यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस रोड पर आने वाले 4 पासिस में से ये पास सबसे कम ऊंचा है, लेकिन बाकी पासिस में स्नो ना के बराबर होगी, जबकि ये पास बर्फ से लकदक है। यहाँ भी उमेश भाई ने हमें छोटा सा ब्रेक दिया और यहाँ की अद्भुत सुंदरता को देखकर तो एकदम मज़ा आ गया। बारालाचाला क्रॉस करना अपने आप में ही एक चुनौती रहता है, क्योंकि मौसम यहाँ पर कभी भी बदल सकता है। रात के समय बारालाचाला पर रुकना या ठहरना जानलेवा भी साबित हो सकता है। थोड़ी देर यहाँ रुककर फिर हम आगे चल पड़े। जिंगजिंगबार के उस छोटे से स्ट्रेच के अलावा केलोंग से बारालाचाला तक रोड काफ़ी अच्छा है और आप इजीली अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ आ सकते हैं। आज बस में जो पैसेंजर्स हैं सब बहुत ही एक्साइटेड हैं और सब मस्ती वाले मूड में हैं और हमेशा की तरह देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं तो कोलकाता। कोलकाता? मैं तो हिमाचल से। हिमाचल सर,
सभी लोग अलग जगह से, ये लोग मुंबई से हैं, केरला से हैं। आपको कैसे पता चला बस के बारे में कि बस चल रही है? हम लोग ऐसे ही आए कि लोग सुना नहीं चल रहे तो चलते हैं। क्या मतलब एक साथ हो सब? नहीं नहीं, हम लोग किलो में मिले थे। आप हिमाचल के हो? बारालाचाला से भरतपुर का स्ट्रेच थोड़ा नैरो है और यहाँ अक्सर जाम लग ही जाता है। एक्चुअली काफ़ी ट्रक्स एक साथ हो गए हैं और आगे से कुछ गाड़ियाँ भी आ रही हैं जिन्हें पास लेने की जगह नहीं मिल रही। अब तो लग रहा है यहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा। कितना महीने का है ये? तीन महीने का है। तीन महीने का? करीब आधा घंटा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। अब जब तक पास नहीं मिलता तब तक इन ट्रक्स के पीछे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और अब हम भरतपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट होता है, लेकिन थोड़ा पास पहुंचने पर देखा कि अभी तो ये ढाबे लगे ही नहीं हैं। एक्चुअली यहाँ सारे ढाबे टेम्परेरी ही होते हैं, यानी सीज़न ख़त्म होने पर ये सब उठा दिए जाते हैं, तो इस बार शायद बस इतनी जल्दी शुरू हो गई है कि वो लोग अभी आए ही नहीं हैं। इन्हीं पत्थरों के ऊपर टेंट्स लगाए जाते हैं। अभी तो 9 ही बज रहे हैं पर भूख काफ़ी लग रही है, क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि यहाँ हॉल्ट होगा। खैर अब थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा और ब्रेकफास्ट अब सरचू में होगा। यहाँ पर भी ये छोटी लेक्स आधी जमी हुई हैं। अब हम किलिंग सराय पहुंचने वाले हैं। यहां से ऊपर दारचा निमू रोड के लिए कनेक्टिंग रोड्स बन रहे हैं ताकि इमरजेंसी में वो यूज़ हो सकें। सरचू अब यहाँ से 18 किलोमीटर है और रास्ते बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी सुंदर वाटर बॉडीज रास्ते की थकान को मिटा ही देती हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े चूहे खेलते हुए दिख गए और बस में बैठे सब लोग काफ़ी खुश हो गए। हालांकि कुछ पैसेंजर्स पूछ रहे हैं कि वो चूहे तो ठीक है पर पेट वाले चूहों का क्या करें, तो ड्राइवर साहब बोलते कि बस थोड़ा इंतज़ार और करवाओ उनको। अब हम सरचू पहुंचने वाले हैं। सरचू इस रोड पर एक मेजर हॉल्ट पॉइंट है
जहां बहुत सारी टेंटेड एकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, और पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो यहां एक दिन का स्टे कर सकते हैं। 4290 मीटर के एलिवेशन पर बसा सरचू एक फ्लैट लैंड है, जिसमें नॉर्थ में लाचुंगला पास और साउथ में बारालाचाला है। हालांकि समर्स में भी यहां काफ़ी ठंड होती है और टेम्परेचर 0 से 15 डिग्री के बीच रहता है। करीब 10 बजे हम सरचू पहुंचे। सरचू में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का बॉर्डर है और इसके बाद हम लद्दाख में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ नदी के इस तरफ हिमाचल प्रदेश की चेकपोस्ट है और उस तरफ लद्दाख की। यहाँ अब जियो का नेटवर्क भी आने लगा है और कंडक्टर साहब ने डिपो में इन्फॉर्मेशन दे दी कि गाड़ी सरचू तक सुरक्षित पहुँच गई है। अब अगली बातचीत उपशी में ही होगी। अभी तो यहाँ का ठेका भी बंद है, ये हिमाचल प्रदेश का इस तरफ आखिरी ठेका है। यहाँ पानी का नेचुरल सोर्स भी है तो सब ट्रक वाले यहाँ से बॉटल्स भर लेते हैं। इस पुराने पुल की जगह बगल में नया पुल बनाने का काम भी चला हुआ है। फिर यहाँ हम लद्दाख की सीमा में प्रवेश कर गए। इस ढाबे पर बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट होगा। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, गिरता है कि चढ़ता है समझ? अच्छा, वो टुडे एक्सपर्ट इज विद अस बेसिकली, मतलब एकदम। सुन भाई, ब्रेथलेसनेस हो रही है तो लेज लेके उसमें सबसे ज्यादा हवा रहती है। चाय निकालो। पिछले साल आए ना वो कोविड वाले निकालने थे ऊपर से, बाद में बुढ़ापे में तेज लाज है, पेटी में भर के इनको देने मालूम है। कटिंग में था, कटिंग नहीं, कटिंग से बहुत ज्यादा है इधर। नहीं, कटिंग चलता है, नीचे चलता है। यहाँ पर हमारी बस करीब 45 मिनट के लिए रुकी और करीब 11 बजे हम यहाँ से आगे चल पड़े। लेह अभी यहाँ से 251 किलोमीटर दूर है। सरचू से आगे ये स्ट्रेच जो पिछले साल धूल का बवंडर हुआ करता था, उसकी जगह अब यहाँ साइड से पक्का रोड बना दिया गया, वरना तो यहाँ इतनी धूल थी कि गाड़ियों के एयर फिल्टर्स भी खराब हो गए थे और कुछ गाड़ियों तो टो भी करनी पड़ी थी। मैंने अब तक बहुत सी बसेस की जर्नी की है, पर ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पैसेंजर्स, कंडक्टर और ड्राइवर सब एक जैसा एंजॉय कर रहे हों। ये जर्नी डेफिनेटली उनमें से एक है।
यहाँ पर तो ऐसा फील आ रहा है कि मानो हम किसी पिकनिक पर निकले हों। यहाँ सामने नदी पर एक छोटा सा गांव भी है। सरचू में जिन लोगों के ढाबे थे उनके घर इसी गांव में हैं। और यहाँ नदी का पानी बहुत ही सुंदर दिख रहा है और मैं सोच रहा हूँ यहाँ 2-3 मिनट का ब्रेक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ गाटा लूप से पहले थोड़ा रोड का काम चला हुआ है। फिर किसी पैसेंजर ने टॉयलेट ब्रेक के लिए रिक्वेस्ट की और छोटा सा ब्रेक मिल गया। फिर शुरू हो गए गाटा लूप्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये 21 लूप्स का एक स्ट्रेच है जो करीब 4200 मीटर से शुरू होकर 4650 मीटर पर ख़त्म होते हैं। और यहाँ ऊपर देखिए कि कितने सारे ट्रक्स जा रहे हैं। एक तो ये सिंगल लेन रोड, ऊपर से कर्व्स, तो पास लेने की जगह भी मुश्किल है। ये सारे लूप्स मिलाकर करीब 10 किलोमीटर के हैं और हर लूप 300 से 600 मीटर के बीच है। यहाँ नीचे पहले लूप से आगे एक ट्रैक भी जाता है जो कि सीधा उपशी में निकलता है। यहाँ एक्चुअली गाटा लूप्स के भूत की याद में मंदिर बनाया गया है और आने जाने वाले लोग यहाँ पानी की बॉटल्स रख कर जाते हैं। इसके चक्कर में यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स का बड़ा सा ढेर लग गया है। इस पूरे रूट में काफ़ी जगहों के बारे में कई रोचक किस्से हैं और हम अपनी पिछले साल वाली वीडियो में उन सबको कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो उस वीडियो और पूरी लद्दाख सीरीज़ को भी देख सकते हैं, लिंक ऊपर स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ एक इनोवा गाड़ी भी शायद रोड से बाहर निकल गई है, असली माजरा तो ऊपर ही पता चलेगा। कितने भी ट्रक से पास ले लो लेकिन ये ट्रक हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। शायद पास के चक्कर या ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी रोड से बाहर चली गई होगी, पर भगवान का शुक्र है कि यहीं पर अटक गई, वरना नीचे लुढ़क जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। यहाँ अब गाटा लूप्स तो ख़त्म हो गए हैं पर हमें और थोड़ी चढ़ाई चढ़कर नकीला टॉप तक पहुँचना है। ये ट्रक तो शायद पिछले साल का यहाँ पर गिरा है और अब तो इसका बस ढांचा ही बचा हुआ है। इसके बाद हम पहुंच गए नकीला जो कि 4740 मीटर की ऊंचाई पर है। पिछले साल यहां पर एक HRTC बस खराब हो गई थी और स्टाफ को करीब एक हफ्ते तक बस में ही रहना पड़ा था क्योंकि वो बस को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते थे।
आने जाने वाली HRTC बसेस से उन तक खाना तो पहुंच जाता था, पर ऐसी जगह पर एक हफ्ता काटने का ख्याल भी डरावना है। अब हम नकीला से थोड़ा नीचे उतरकर फिर लाचुंगला की तरफ चढ़ाई चढ़ेंगे। यहाँ नीचे फिर कुछ खाने की दुकानें हैं, मतलब खाने के ऑप्शंस की बात करें तो दारचा के बाद आपको पटसेओ, जिंगजिंग बार, भरतपुर, सरचू और यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। केलोंग से हमारे साथ जो छोटी गाड़ियाँ निकली थीं वो भी यहाँ तक आगे पीछे ही चल रही हैं। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को एक ही दिन में मनाली या फिर केलोंग से लेह पहुँचना होता है, तो सब कम स्टॉप्स के साथ ही जाते हैं। हालांकि हमारी माने तो सरचू में ब्रेक ज़रूर लें और पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाएं। अब हम लाचुंगला पहुँचने वाले हैं। नकीला और लाचुंगला दोनों ही पासिस पर इस टाइम बर्फ ना के बराबर है। इन दोनों पासिस पर आपको पास वाली फील भी नहीं आएगी। रोहतांग और बारालाचाला इन दोनों की हाइट में काफ़ी कम है, फिर भी अभी तक वहां पर काफ़ी बर्फ है। वो दोनों ही पासिस मुश्किल भी हैं। अगर इस रोड पर स्नोफॉल हो जाए तो मैक्सिमम दिक्कत बारालाचाला या फिर तंगलंगला पर ही आती है। तो दोपहर 1 बजे हम पहुंच गए लाचुंगला टॉप पर। इस पास की ऊंचाई 5060 मीटर है। अगला स्टॉप अब 25 किलोमीटर दूर पांग में होगा और वहीं पर हमारा लंच ब्रेक भी होगा। अब थोड़ा टाइम रोड इस नदी के साथ साथ ही चलेगा। अभी तो यहाँ पानी कम है, लेकिन जुलाई तक व्यूज़ सुंदर हो जाते हैं। इस टाइम तक सारे पैसेंजर्स की एनर्जी भी डाउन हो ही जाती है, क्योंकि रेतीले पहाड़ों के ये व्यूज़ थोड़े रिपीटिव हो जाते हैं। अभी तो लगभग सब सो ही गए हैं। अब रास्ता फिर से अच्छा हो गया है और व्यूज़ भी शानदार हो गए हैं। अब वेजिटेशन का तो नामो निशान पूरी तरह से मिट गया है और बस ये सुनहरी रेत वाले पहाड़ हैं। यहाँ तो एकदम अलग ही फील आता है, रेतीले पहाड़ और उन पे बड़े बड़े क्लाउड्स की ये छाया, और ये चट्टाने देखकर तो लगता है कि किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। और ये हम पहुंच गए हैं पांग, जो कि 4650 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ लाइन से आपको बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। दारचा और रुमसे के बीच बस सरचू और पांग ही दो जगह हैं जहाँ रहने और खाने की अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अब 2:30 बज गए हैं और यहाँ हम सोनम पांगरी मोटल में लंच करेंगे। लंच से पहले यहाँ पर गाड़ी भी रिफ्यूल की जाती है। छत पर रखे ड्रम से पाइप लगाकर नीचे डीजल भरा जाता है। यहाँ पर मैंने हाफ थाली ली जो कि 60 रुपये की थी और फुल प्लेट 100 रुपये की है। और ये हैं सोनम आंटी जी,
जिनका ये मॉडल है। कब स्टार्ट किया आपने? हमने 1998 में स्टार्ट किया। नहीं नहीं, मतलब अभी 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 ये मई अप्रैल मई तारीख अप्रैल एक तारीख को आया। अच्छा, आपके घर ले ले में? हाँ जी, हम घर ले में। अभी आप सितंबर अक्टूबर तक रुकोगे? हाँ, अक्टूबर लास्ट तक बैठेगा बेटे, मौसम ठीक रहेगा तो। बर्फ ज्यादा गिरेगा तो हम अक्टूबर 20-25 को चला जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो। बहुत अच्छे थे आपके राजमा चावल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब मिलेगी, बहुत अच्छा लगा। ओके, हमें भी। ओके, चलो मिलेंगे दोबारा। हाँ जी, पर जरूर मिलेंगे बेटा, थैंक यू। फिर 3 बजे हम पांग से निकल गए। यहाँ से लेह तक करीब 4.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। और ये है पांग का एरियल व्यू। तो ये हैं मोरे प्लेन्स। इन प्लेन्स की एवरेज हाइट 4,800 मीटर है और इनका ओरिजिनल नाम क्यांगचू थांग है। यहाँ आपको दोनों तरफ पहाड़ों के पैनोरमिक व्यूज़ मिलते हैं और बीच में ये रनवे जैसी सीधी सड़क है। यहाँ आकर तो लगता है कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। ये प्लेन्स चूहा ग्राउंड के नाम से भी फेमस हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे जायंट रैट्स रहते हैं। बस तो यूजुअली यहाँ हॉल्ट नहीं करती, पर अपनी पर्सनल गाड़ी में हो तो यहाँ एक ब्रेक ज़रूर प्लान करें। केलोंग के बाद जिस्पा से एक सवारी बैठी थी, बाकी तो पूरे रास्ते हार्डली कोई सवारी मिलती है क्योंकि गांव ही नहीं है। लेकिन यहां डेबरिंग से बस को एक सवारी मिल गई। करीब 5 बजे हम तंगलंगला टॉप पर पहुंच गए। इसकी एलिवेशन 5,328 मीटर है। ये माउंटेन पास इस रूट का सबसे ऊंचा पॉइंट है, पर सबसे डेंजरस नहीं। जून के बाद आपको दिन में यहाँ पर गडरिये अपनी भेड़ बकरियाँ चराते हुए भी दिख जाएंगे। इस पास को कुछ लोग वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास भी बोल देते हैं, पर ये सच नहीं है। इनफैक्ट अब तो वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, और इंडिया में ही इससे ऊंचे कई मोटरेबल पासेस बन चुके हैं। तंगलंगला से उपशी तक पूरा रोड अब पक्का कर दिया गया है और माउंटेन पास भी अब पेव्ड है। पास से नीचे का थोड़ा सा एरिया बर्फ की वजह से खराब हो गया है, पर ओवरऑल अब आगे का रोड काफी अच्छा है। वैसे भी पूरे रोड की बात करें तो नकीला से पांग तक थोड़े स्ट्रेच खराब थे, बाकी ओवरऑल तो पहले से काफ़ी सही रोड है। अब ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इस बार रोड बहुत जल्दी खुल गया। अभी जून जुलाई में जो बारिश होगी, फिर ग्लेशियर्स पिघलेंगे और उससे भी रोड काफ़ी ख़राब हो जाता है। अब हम तंगलंगला से नीचे की ओर उतराई उतर रहे हैं। इन पासिस से गुजरते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ो और फिर दूसरी तरफ नीचे उतर जाओ। इसके बाद हम रुमसे गांव पहुंचे और यहां मेरा एयरटेल का 4G नेटवर्क भी आ गया।
लद्दाख में एयरटेल और जियो दोनों काम करते हैं, लेकिन सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शंस। यहाँ रुमसे से मोरीरी सो का ट्रैक भी काफ़ी पॉपुलर है, जो कि कई ऊंची चोटियों से होकर गुजरता है। रुमसे के पास ये पहाड़ गुलाबी से हो गए हैं और घास यहाँ पीले रंग की है, मतलब बहुत ही सुंदर लैंडस्केप। तो मेरू गया और काफ़ी छोटे छोटे गांव से होते हुए हम 7:15 बजे पहुंच गए उपशी। यहां चेक पोस्ट है और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहां पर चेक हो सकता है, तो PDF अपने फ़ोन में ही रखें। वैक्सीन करवाया हुआ है भाई? हाँ। दिखाओ। ये सुंदर सी नदी इंडस है, जो अब लेह तक रोड के साथ साथ ही बहती है। यहाँ उपशी में अब 15 मिनट का टी ब्रेक होगा। यहाँ से लेफ्ट में एक दूसरा रोड चुमथंग की तरफ भी जाता है, जहाँ से आगे सोमरीरी, पेंगोंग लेक और पुगा हॉट स्प्रिंग्स की ओर जा सकते हैं। कैसी रही आपकी जर्नी केलोंग से यहाँ तक? बहुत अच्छी थी। आई थिंक जर्नी लंबी थी, तो काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई। आई थिंक एक ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया था कि फ्रेंड्स लोगों के साथ में ही सब लोग जा रहे हैं, मैं इनको भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं जानते, जबकि आप सब सोलो आए हैं ना? सब सोलो आए हैं, बट इट वॉज नाइस टू यू नो सी के एवरी वन वॉज गेटिंग अलॉन्ग, एवरी वन वॉज प्लेइंग म्यूजिक, कुछ ना कुछ चल रहा है, मजाक मस्ती भी हो रही है, कर रहे वगैरह सब। तो लाइक एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का नोशन रहता है ना कि अरे एकदम ख़राब हो गया है, वैसा बिल्कुल नहीं था। एंड जो ड्राइवर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, हेल्पफुल भी, काफ़ी अच्छे भी थे। जब भी अगर कुछ वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना है, तो ही स्टॉप तो व्हीकल किसी आगे। और आप लोग कहाँ से हैं? मुंबई। मुंबई सेम स्टोरी हमारी भी, हम भी मुंबई से मनाली, इधर दिल्ली आए और दिल्ली से मनाली। तो आप लोग मनाली में मिले सब लोग? नहीं, हम लोग नहीं, बस में मिले। अच्छा, ओके, तभी सब लोग मिले। चलो ग्रेट। केलोंग के लिए 2 दिन स्टे करने आए थे, तो बस चालू हो रही है करके चलो जाते आगे लेते। आज बस पहली बार आई है, तो सब इसे देखकर खुश हैं और लोग परसों वापसी की रिजर्वेशन भी करवा रहे हैं। और ये देखिए ट्रक्स की करीब 1.25 किलोमीटर लंबी लाइन। आज मनाली से ट्रक लद्दाख की ओर आए हैं और कल यहाँ लद्दाख से मनाली की ओर जाएंगे। उपशी और लेह के बीच करू, थिक्से और शेह जैसे कई गांव आते हैं। इनमें करू का त्रिशूल फोर्ट और वॉर मेमोरियल, थिक्से मोनेस्ट्री, शेह पैलेस और हेमिस मोनेस्ट्री जैसे कई घूमने वाले पॉइंट्स भी हैं, लेकिन शाम में बस से ये कवर नहीं हो सकते, इसीलिए आपको नेक्स्ट डे लोकल बस या कैब से आना पड़ेगा। तो इस तरह हम शाम 8 बजे लेह पहुंच गए और ये है लेह का बस स्टैंड। यहाँ गवर्नमेंट बसेस की पार्किंग में तो गेट पर लॉक ही रहता है और जाकर खुलवाना पड़ता है। यहाँ JKSRTC की भी कुछ बसेस खड़ी हैं। तो सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा, करीब 14 घंटों में हमने ये जर्नी पूरी कर ली। जाते जाते फिर कुछ ग्रुप फोटोज सबने लिए और फिर हम अपने अपने होटल्स चले गए। मैं अपने पिछले साल वाले ही ग्यासलैंग गेस्ट हाउस में गया, जो ऊपर चंग्सपा रोड पर है।
ये बस स्टैंड से करीब 1.25 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और 10-15 मिनट लग जाते हैं। कैब वाले हालांकि यहां तक 200 रुपये ले लेते हैं। गेस्ट हाउस से माल रोड काफ़ी पास है और यहां एक कोरियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी है। अगर आप यहां पर हिम्बस का रेफरेंस देंगे तो सिंगल ऑक्यूपेंसी आपको 900 और दो लोगों के लिए 1400 रुपये का पड़ेगा। यहां 7 रूम्स हैं और सब सेम कैटेगरी के ही हैं। यहां वाईफाई की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। केलोंग और लेह दोनों जगह के होमस्टेज की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर मैं करगिल और श्रीनगर साइड जाने वाली बसेस का पता करने बस स्टैंड गया। यहां 2 बजे श्रीनगर जाने वाली बस तो लगी है, पर ड्राइवर साहब ने बताया कि वो 5 दिन से यहीं पर हैं। जब बस को फुल सवारी मिल जाएगी वो तभी ले से जाते हैं, चाहे इसमें 1 दिन लगे या 1 हफ्ता। अपनी बस भी यहां पर खड़ी है और स्टाफ के सोने का इंतज़ाम भी बस में ही होता है। जो बस केलोंग से लेह आती है उसका 1 दिन यहीं रेस्ट होता है और यहीं बस में टिकट्स भी दिए जाते हैं। तो उमेश भाई कल बस लेकर यहां से वापस जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दिल्ली से लेह तक चलने वाली HRTC बस के बारे में हमने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी होंगी। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को बनाने में हमारे सहयोग के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे HRTC केलोंग डिपो के RM श्री मंगल चंद मनेपा जी, बस के ड्राइवर उमेश भाई और रंजीत भाई का, साथ ही उन सभी पैसेंजर्स का भी जिन्होंने यात्रा के दौरान हमारा पूरा सहयोग किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।